गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। पिछले लेक्चर्स में अपन ने बात कर रहे थे, अपन मॉलिकुलर बायोलॉजी पेपर थर्ड एमएससी प्रीवियस जूलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। इसकी जो यूनिट फर्स्ट है वो अपन ने लगभग कंप्लीट कर ली, उसमें एक टॉपिक बचा हुआ है। यूनिट सेकेंड भी अपन ने कम्प्लीट हो गई। यूनिट थर्ड ट्रांसक्रिप्शन प्रोकैरियोट्स में, यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो अपन ने कम्प्लीटली पढ़ ली है। अब उसका जो रेगुलेशन है वो बाद में अपन एक साथ पढ़ेंगे। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन है और ट्रांसलेशनल रेगुलेशन है वो सारे एक साथ पढ़ लेंगे। अब अपन बात करें हैं नेक्स्ट यूनिट की। नेक्स्ट यूनिट है आरएनए प्रोसेसिंग, या इस यूनिट को कह सकते हैं अपन आरएनए प्रोसेसिंग या फिर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, यानी क्या कहना चाह रहा है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन क्या होता है। यानी अपन ने क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए से डीएनए से क्या बनाया, अपन ने आरएनए बनाया। ठीक है, डीएनए से क्या बनाया, आरएनए बनाया। अब इस आरएनए के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं, यानी इस आरएनए को अपन ने मैसेंजर आरएनए बनाना है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं वो कहलाएगा पोस्ट, यानी बाद में ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। यानी ट्रांसक्रिप्शन के होने के बाद में क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं और उसको कह सकते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। कुछ मॉडिफिकेशन तो ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ही होते हैं, जैसे कैपिंग का फॉर्मेशन हो गया, स्प्लाइसिंग का फॉर्मेशन हो गया, ये ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ही होते हैं। तो उनको पढ़ते हैं अपन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें, सबसे पहले अपन बात करें इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में क्या आता है, इन यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक प्लेस इन डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट। यानी जो यूकैरियोट्स का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है और ट्रांसलेशन होता है वो डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट में क्या होता है, पाया जाता है, टेक प्लेस। ठीक है, यानी प्रेजेंट होता है। जैसे बात करें ट्रांसक्रिप्शन होगा किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। ट्रांसलेशन किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एमआरएनए एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली। यानी उसके अंदर जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर लगातार जैसे जैसे ही क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, उसके साथ साथ ही उसमें क्या हो जाता है, ट्रांसलेशन भी स्टार्ट हो जाता है। यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, लगातार साथ साथ चलते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता है। यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन का और ट्रांसलेशन का जो पोजिशन है वो डिफरेंट होता है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर होगा, ट्रांसलेशन की बात करें तो वो कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। क्योंकि वो क्या होते हैं, वेल डेवलप ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, कवर्ड होता है। ठीक है, तो इस तरह से उनके अंदर डिफरेंट टाइप को देखने को मिलता है। दस एमआरएनए मॉलिक्यूल अंडरगो लिटिल और नो मॉडिफिकेशन आफ्टर सिंथेसिस बाई आरएनए पॉलीमरेज इन प्रोकैरियोट्स। यानी क्या कहना चाह रहा है कि एमआरएनए मॉलिक्यूल्स होता है उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है जब आरएनए पॉलीमरेज उसका क्या कर देता है, सिंथेसिस कर देता है। इन कॉन्ट्रास्ट प्री टीआरएनए प्री आरआरएनए अंडरगो प्रोसेसिंग लाइक क्लीवेज एडिशन न्यूक्लियोटाइड एंड केमिकल मॉडिफिकेशन आफ्टर सिंथेसिस। इन कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो प्री टी ट्रांसफर आरएनए प्री आरआरएनए अंडरगो प्रोसेसिंग करते हैं लाइक किसकी तरह, क्लीवेज की तरह, और एडिशन करते हैं न्यूक्लियोटाइड और केमिकल मॉडिफिकेशन आफ्टर सिंथेसिस। किसकी बात कर रहा है, ये प्रोकैरियोट्स की। ठीक है, अब बात करें यूकैरियोट्स के अंदर, देखें तो यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंट मॉडिफिकेशन देखने को मिलते हैं, डिफरेंट प्रोसेस होती है किसकी, आरएनए के अंदर डिफरेंट प्रोसेस देखने को मिलती है। यानी टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग इन एमआरएनए, एमआरएनए के अंदर जो टाइप्स होंगी प्रोसेसिंग की वो कौन कौन सी टाइप होंगी। ठीक है, सबसे पहले देखें फाइव प्राइम कैपिंग, सबसे पहला जो प्रोसेसिंग होगी वो क्या होगी, फाइव प्राइम कैपिंग। ये तुम्हें पता हो तो जब इनिशिएशन अपन ने पढ़ा था, इनिशिएशन के अंदर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड है, जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच है, हेलिकेज है,
वो काइनेज एक्टिविटी शो करता है, और काइनेज एक्टिविटी शो करने के कारण वो जो सेरीन नंबर का जो फिफ्थ नंबर का जो सेरीन है उसको क्या कर देता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है, और वो फिफ्थ नंबर का सेरीन फॉस्फोराइलेट होकर क्या करवाता है, कैपिंग कर लेता है, क्या करता है, कैपिंग करता है। और कैपिंग किस डायरेक्शन में होती है, 5' पर क्या होती है, कैपिंग होती है। तो आज के वीडियो में अपन ओनली किसके बारे में पढ़ेंगे, कैपिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 3' पर क्या होता है, किलवेज होता है या फिर पॉली एडेनाइलेशन। इसका अंदर अपन ने टर्मिनेशन में देखा था, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन जो यूकेरियोट का टर्मिनेशन था उसमें देखा था किस तरह से पीएपी पॉली ए पॉलीमरेज क्या करवाता है, वहां पर पॉली एडेनाइलेशन करवाता है, यानी पॉली एडिनोसिन पॉलीमरेज वो क्या करवाता है, पॉली एडेनाइलेशन करवाता है। स्प्लाइसिंग क्या होता है, स्प्लाइसिंग की बात करें तो जो आरएनए होता है उसके अंदर दो सीक्वेंस होते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। दो सीक्वेंस होते हैं, दो कोड होते हैं, एक तो एक्सॉन और एक इंट्रॉन, ठीक है। जहां पर ये बात करें तो ये क्या होता है, इंट्रॉन मान लो इसको, और ये क्या है, एक्सॉन। तो यहाँ पर इंट्रॉन होते हैं वो नॉन कोडिंग होते हैं, इनका कोई कोडिंग में सेंस नहीं होता है, और एक्सॉन होते हैं वो क्या होते हैं, कोडिंग होते हैं। तो यहाँ पर नॉन कोडिंग सीक्वेंस यानी इंट्रॉन को क्या करना है, रिमूव करना है, और ये ही क्या कहलाता है, इंट्रॉन स्प्लाइसिंग। यानी स्प्लाइसिंग यानी इसको क्या करना, जोड़ना। जैसे यहाँ पर क्या होगा, कट लगेगा, कट लगने के बाद में वापस से आपस में जोड़ेगा, तो वो क्या कर रहा है, स्लाइस यानी इसको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, यानी जो कोडिंग सीक्वेंस है उनको एक जगह क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो उसको क्या कहेंगे अपन, स्प्लाइसिंग। नेक्स्ट आरएनए एडिटिंग भी इसके अंदर ही आता है। आरएनए को क्या किया जाता है, एडिट किया जाता है, कुछ उसके अंदर चेंज करना हो तो उसको आरएनए एडिटिंग कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन आज बात करते हैं 5' पर किसके बारे में, कैपिंग के बारे में, किस तरह से 5' पर क्या होता है, कैपिंग का फॉर्मेशन होता है। यूकैरियोटिक एमआरएनए हैव यूकैरियोटिक एमआरएनए हैव पेकुलियर, ये वर्ड देख लेना एक बार, एंजाइमेटिकली अपेंडेड कैप स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ ए 7-methyl गवानोसिन रेसिड्यू जॉइंट टू द ट्रांसक्रिप्शन इनिशियल न्यूक्लियोटाइड बाय द 5'5' ट्राइफॉस्फेट ब्रिज। यानी क्या कह रहा है कि जो यूकैरियोटिक एमआरएनए होता है उसके अंदर एंजाइमेटिकली अपेंडेंट यानी कैप स्ट्रक्चर का क्या होता है, कंसिस्ट फॉर्मेशन होता है, और वो बनी होती है किससे, 7-methyl गवानोसिन से बनी होती है, और जॉइन होता है उसमें क्या है, ट्रांसक्रिप्शन इनिशियल यानी न्यूक्लियोसाइड 5' से 5' ट्राइफॉस्फेट ब्रिज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये देखते हैं अपन किस तरह से 5' उसका फॉर्मेशन होता है। प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में क्या होता है कि यहाँ पर देखें तो बहुत सारे क्या होते हैं, सॉरी तीन क्या होते हैं, फॉस्फेट होते हैं, और ये तीनों फॉस्फेट CH2 यहाँ पर क्या होगा, राइबोज, यहाँ पर क्या होगा, राइबो शुगर, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर इस इससे फिर फॉस्फेट, फिर CH2, इस तरह से क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड आरएनए के ऊपर ऐड होते हैं। यहां पर नाइट्रोजन बेस, यहां पर क्या होगा, नाइट्रोजन बेस, यहां पर क्या ऐड होगा, नाइट्रोजन बेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो फर्स्ट नंबर ग्लूकोज, सेकंड नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नंबर क्या क्या है, कार्बन है। ग्लूकोज के अंदर 5 कार्बन है। यहाँ पर फिफ्थ नंबर पे ट्राइफॉस्फेट आपस में जुड़े होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा, तीन फॉस्फेट आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, OH ग्रुप फ्री होता है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, 5', और इसको क्या कहा जाता है, 3'। अब 5' पर क्या ऐड करवाना है अपने को, कैप का फॉर्मेशन करवाना है। 5' ये है, इस पर किसका फॉर्मेशन करवाना है, कैप का फॉर्मेशन करवाना है। और कैप का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, और कैप में क्या होता है, 7-methyl गवानोसिन,
ठीक है, 7-methylguanosine यहाँ पर क्या करवानी है, ऐड करवानी है, जिससे इसको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, ये क्या ना हो, डीनेचर ना हो। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, यहाँ पर इसके ऊपर जो 5' है यहाँ पर ट्राइफॉस्फेट है, यहाँ पर क्या करते हैं अपन कैप का फॉर्मेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर इसकी प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर अपन दो तरह से लेते हैं इसको, प्रोसेस को दो तरह से लेते हैं। ऐसे डायग्राम में भी दे रखा है कि यहां पर ले अपन, तो यहां पर फॉस्फेट फॉस्फेट फॉस्फेट, यहां पर अपन सिंपल प्रोसेस की बात करेंगे। यहां पर क्या जुड़ा हुआ है, ये एमआरएनए, यहां पर 3' है, यहां पर ये 5'। इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो यहां पर फॉस्फेट है, यहां पर नॉर्मल की नॉर्मल प्रोसेस की बात करें, यहां पर इसकी केमिस्ट्री की बात करें, यानी एक्चुअल में किस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो 5' 5' ट्राइफॉस्फेट बॉन्ड बनाया है वो किस तरह से फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखें तो फॉस्फेट में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन, और यहाँ पर भी क्या है ऑक्सीजन, ये क्या है गामा फॉस्फेट। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये फॉस्फेट ऑक्सीजन फॉस्फेट फॉस्फेट, और यहाँ पर फॉस्फेट ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये तीन टाइप के क्या होंगे, ठीक है। यहां पर देखें तो अपन अल्फा बीटा और गामा, तीन फॉस्फेट है अल्फा बीटा गामा, और यहां पर इससे क्या जुड़ा हुआ है, ये ग्लूकोज जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है, और CH2 का अपन बात करें तो यहां पर ये इसकी क्या आ जाएगी केमिस्ट्री, ठीक है। यहां पर और फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, यहां पर फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, आगे की तरफ चल रहा है, यहां पर नाइट्रोजन बेस जुड़ा, ये मतलब लंबा आरएनए, यहां पर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होंगे, क्योंकि नीचे क्या होगा 3' OH होगा और उसके ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होंगे। तो यहां पर इसका जो 5' होता है ये होता है, इसका 5' क्या होता है, ये होता है, इसका 5' ये है, ये नॉर्मल प्रोसेस देख रहे हैं, ये आरएनए है इतना बड़ा, यहाँ पर ये आरएनए की अपन पूरी स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, यहाँ पर क्या होता है वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एंजाइम वर्क करता है, सबसे पहला एंजाइम गामा फॉस्फेटेज, कौन सा गामा फॉस्फेटेज, फॉस्फेटेज PHOS PHATAS TASE फॉस्फेटेज, गामा फॉस्फेटेज। अब ये गामा फॉस्फेटेज क्या करता है, जो ये गामा अल्फा बीटा और गामा फॉस्फेट है इसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, यानी बात करें ये क्या करेगा, रिमूव गामा फॉस्फेट, ये गामा फॉस्फेट को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब देखें तो यहां पर बनाए तो यहां पर कितने फॉस्फेट है, यहां पर कितने फॉस्फेट है, दो, कौन कौन सा है, बीटा और अल्फा, और ये 3', यहाँ पर 5', ठीक है। यहाँ पर भी रिमूव कर दो, यहाँ पर ये सेम स्ट्रक्चर्स बन जाएगी, यहाँ पर एक फॉस्फेट को यहाँ पर क्या करना है, रिमूव करना है, एक फॉस्फेट को यहाँ पर क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो एक फॉस्फेट को रिमूव कर दिया, और ये फॉस्फेट कौन से होंगे, अल्फा बीटा, गामा फॉस्फेट यहाँ पर रिमूव हो गए किसके द्वारा, एक एंजाइम के द्वारा, गामा फॉस्फेटेज एंजाइम के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, गामा फॉस्फेट रिमूव हो गया, ठीक है। इसका ये 5' हो गया, ये 3' होगा, ठीक है, ये 3' होगा, यहाँ पर OH ग्रुप फ्री होगा, ठीक है। अब देखें तो इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर एक और एंजाइम काम करेगा, कौन सा, ग्वानाइल, ट्रांसफ्रेज, ग्वेनाइल ट्रांसफरेज, ये क्या करवाता है, GTP को कन्वर्ट करवा देता है किसमें, GMP में, यानी यहाँ पर ये ऐड करता है क्या, GTP यानी ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या करता है यहाँ पर ऐड करता है, यहाँ पर क्या ऐड होगा, ग्वानोसिन भी ऐड होगा और उसके साथ में 3 फॉस्फेट ऐड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट में यहाँ पर मोनोफॉस्फेट निकल जाता है और यहाँ पर एक फॉस्फेट ऐड होता है, किस तरह से ऐड होगा देखो, यहाँ पर देखें अपन एंजाइम्स कौन सा काम कर रहा है, ग्वानाइल ट्रांसफ्रेज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा देखो,
यहाँ पर बीटा था, अब यहाँ पर देखो गोनाइल है, गोनाइल फॉस्फेट, फॉस्फेट दो फॉस्फेट तो पहले थे अल्फा बीटा, और ये गोनाइल का क्या हो गया फॉस्फेट यहाँ पर ऐड हो गया और ये क्या बन गया एमआरएनए, यहाँ पर 5', यहाँ पर 3'। तो यहाँ पर गोनाइल फॉस्फेट ऐड हो गया, दो फॉस्फेट पहले थे, तीसरा फॉस्फेट ये। अब इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में देखोगे तो यहाँ पर अपने को क्या ऐड करवाना है गोनाइल ऐड करवाना है, क्या ऐड करवाना है गोनाइल, यानी यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस होगा वो क्या होगा ग्वानिन, और ग्वानिन का यहाँ पर जो फिफ्थ नंबर का कार्बन है यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये इसका फिफ्थ। अब यहाँ पर देखोगे तो नेक्स्ट ये वाला तो है ग्वानाइल, ठीक है, और यहाँ पर है नाइट्रोजन बेस, तो यहाँ पर देखोगे तो ये इसकी क्या आ गई यहाँ पर केमिस्ट्री, ये इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर क्या हो गया ये ग्वानाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा यहाँ पर ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है, इसको कहेंगे अपन ग्वानिन GPP, दो फॉस्फेट ये, ठीक है, ये पहले वाले दो फॉस्फेट, एक फॉस्फेट इसका, तो इसलिए ग्वानाइल फॉस्फेट ट्राईफॉस्फेट, और इसके साथ यहाँ पर क्या हो सकता है CTGC कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये होता है 5' फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। अब कैसे हुआ है यहाँ पर फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पर देखोगे तो इसका फर्स्ट कार्बन कौन सा होता है जहाँ पर नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यहाँ पर OH ग्रुप फ्री है, यहाँ पर क्या है 3' है, ठीक है, इसका फिफ्थ नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है फॉस्फेट, ठीक है, तो फिफ्थ नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है फॉस्फेट, यहाँ पर देखोगे तो इसके भी फिफ्थ नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है फॉस्फेट, तो यहाँ पर भी क्या है 5', इसका ये भी क्या है 5', इसका ये 3', ये 3', तो ये 5', 5' आपस में क्या बना रहे हैं बॉन्ड बना रहे हैं, आपस में क्या बना रहे हैं बॉन्ड बना रहे हैं, इस कारण से इसको क्या कहते हैं 5', 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी 5' से 5' क्या बन रहा है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन बनता है। तो यहाँ पर ये बात समझनी है कि जरूरी है कि यहाँ पर 5', 5' फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे बना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली प्रोसेस क्या थी कि गामा फॉस्फेटेज एंजाइम था वो आया, वहाँ पर गामा को रिमूव किया, गामा को रिमूव करने के बाद में ग्वानाइल ट्रांसफरेज एंजाइम आया, वो क्या किया GTP के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ ऐड किया, और उसके बाद में यहाँ पर देखिए अपन तो एक एंजाइम और वर्क करता है, नेक्स्ट एंजाइम और वर्क करता है यहाँ पर 7-methyl ट्रांसफरेज, कौन सा एंजाइम काम करता है 7-methyl ट्रांसफरेज, और ये क्या करता है 7-methyl ट्रांसफरेज, ये एंजाइम है 7-methyl ट्रांसफरेज, और ये 7-methyl ट्रांसफरेज क्या करता है SAM को किसमें कन्वर्ट करता है SAH, यानी एडी एस एडिनोसाइल और एडिनोसाइल मिथियोनिन को किसमें कन्वर्ट करता है एस एडिनोसाइल होमोसिस्टीन में क्या करता है कन्वर्ट करता है, कौन एंजाइम कौन सा है 7-methyl ट्रांसफरेज एंजाइम SAM को SAH में क्या करता है कन्वर्ट करता है, और ये जो ग्वानोसिन है 7-methyl ट्रांसफरेज यानी ग्वानोसिन होता है वहां पर क्या जोड़ देता है 7
जो उसका ग्रुप होता है वहाँ पर, जो ग्वानोसिन होता है उसकी 7 नंबर कार्बन पर क्या जोड़ता है, मेथिल ग्रुप। तो इसको अपन सिंपल भाषा में लिखेंगे जी पी पी, जिसमें जी पी तो उसका है, ठीक है, और यहाँ पर इसके पास में मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, और यहाँ पर देखें, और यहाँ पर पी दूसरे वाले का था, और यहाँ पर ये क्या है, आरएनए 3 प्राइम, यहाँ पर 5 प्राइम, ठीक है। तो इस तरह से क्या बनता है यहाँ पर, इसको कहेंगे अपन 7 मिथाइल, यानी कैप 7 मिथाइल मिथाइलेटेड ग्वानिन, 7 मिथाइलेटेड ग्वानिन का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन होता है। और इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर अपन देखें, कि ग्वानिन के अंदर 2 रिंग होती हैं, ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर नाइट्रोजन 1, देखिए तो यहाँ पर इसकी कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 9 नंबर पर क्या जुड़ा होता है, यहाँ पर ग्लूकोज जुड़ा होता है, यहाँ पर क्या जुड़ा होता है ग्लूकोज, यहाँ पर क्या होगा CH2, और CH2 से क्या जुड़े होंगे फॉस्फेट, क्या जुड़ा होगा फॉस्फेट, ठीक है, और यहाँ पर जो दूसरे फॉस्फेट होंगे, यहाँ पर जो और फॉस्फेट होगा वो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है जुड़ जाता है, और यहाँ पर CH2, और यहाँ पर CH2 के बाद में यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, ये इस तरह से बन जाता है यहाँ पर नाइट्रोजन बेस। तो यहाँ पर 7 मिथाइलेटेड ग्वानोसिन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर जो 7 पर मिथा, यहाँ पर क्या ऐड होता है, मिथाइलेटेड ग्रुप ऐड हो जाता है, यहाँ पर 7 पे क्या हो जाता है, मिथाइलेटेड ग्रुप ऐड हो जाता है। इस तरह से क्या होती है, जो 5 प्राइम नंबर था आरएनए का, जो 5 प्राइम था वहाँ पर क्या होता है 7 मिथाइल ग्वानोसिन ऐड या ग्वानिन ऐड हो जाती है। ये इस तरह से इसकी प्रोसेस होती है, इसकी देख लो, उसकी प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, फॉस्फोराइलेटेड बाय TF सेकंड H एज सेरिन 5th रेसिड्यूज, यानी TF सेकंड H किसको, 5th नंबर के सेरिन रेसिड्यूज को फॉस्फोराइलेट करता है, रिक्रूट करता है किसके लिए, कैपिंग मशीनरी के लिए। इन एम कैप यानी मिथाइल कैप विच इज एडेड टू द ग्रोविंग ट्रांसक्रिप्शन बिफोर इट इज 30 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग, यानी 30 न्यूक्लियोटाइड ऐड होने से पहले ही कैप का फॉर्मेशन होता है। डिफाइन द यूकैरियोटिक ट्रांसलेशनल स्टार्ट साइट, इसको कौन डिफाइन करता है, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशनल साइट। कैपिंग मार्क द कंप्लीशन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड स्विच फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन टू इलोंगेशन, और कैपिंग मार्क होते ही जो कंप्लीशन यानी कंप्लीशन करने लग जाता है आरएनए पॉलीमरेज स्विच फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन टू इलोंगेशन, जैसे ही कैप का फॉर्मेशन होता है वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज स्विच कर जाता है किसके लिए, इनिशिएशन से इलोंगेशन के लिए, ठीक है। एंजाइम इन्वॉल्व न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज यानी आरएनए ट्राई फॉस्फेटेज गोनाइल ट्रांसफरेज और मिथाइल ट्रांसफर, 3 एंजाइम्स की अपन ने बात की थी, ये तीनों एंजाइम्स यहाँ पर फंक्शंस करते हैं। फर्स्ट एन आरएनए ट्राई फॉस्फेटेज रिमूव द टर्मिनल फॉस्फेट फ्रॉम द प्री एमआरएनए, जो प्री एमआरएनए होता है वहाँ से एक फॉस्फेट को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। सेकेंड, नेक्स्ट ग्वानाइल ट्रांसफरेज एडेड द कैपिंग जीएमपी फ्रॉम जीटीपी, जीएमपी कहाँ से, जीटीपी से जीएमपी क्या करता है, ऐड करता है, यानी ग्वानिन मोनोफॉस्फेट को क्या करता है, ऐड करता है, जीटीपी से क्या करता है, जीएमपी ऐड करता है। नेक्स्ट मिथाइल ट्रांसफरेज मिथाइलेटेड द नंबर 7 नंबर पोजीशन के ऊपर ग्वानिन एट 5 नंबर एंड ऑफ नेसेंट आरएनए, जो नया आरएनए है उसके जो 7 नंबर का जो ग्वानिन है वहाँ पर क्या जोड़ देता है, मिथाइलेटेड कर देता है, यानी मिथाइल ग्रुप ऐड कर देता है, ये अपन ने बात कर ली। If the mRNA has methyl group and 7 position of the guanine at the 5 prime end, then it is called as cap 0. जब यहाँ पर N
सेवन पोजीशन पे, मिथाइलेटेड पोजीशन पर ग्वानिन का जो 5 प्राइम एंड होता है तो उसको क्या कहा जाता है, केप 0। एंड दिस इज द फर्स्ट मिथाइलेटेड स्टेप अकर इन ऑल यूकेरियोट्स। और ये क्या है, फर्स्ट मिथाइलेशन स्टेप होती है कहाँ पर, सभी यूकेरियोट्स में। इन सम हायर यूकेरियोट्स मिथाइल ग्रुप एडिशन आल्सो अकर एट सेकेंड बेस यानी सेकेंड OH। अगर दोबारा मिथाइलेटेड ग्रुप ऐड होता है तो उसको क्या कहेंगे, सेकेंड OH। बट द हैपन ओनली वेन द पोजिशन इज ऑक्यूपाइड बाई एडिनिन एंड सम टाइम द मिथाइल ग्रुप मे आल्सो टेक प्लेस इन द एन सेवन इट कंसिडर्ड इन टू कैप 1। अगर दोबारा कहीं पर मिथाइल ग्रुप ऐड होता है तो उसको क्या कहेंगे, कैप फर्स्ट। फर्स्ट टाइम पे जो ऐड होती है उसको कैप 0। इन सम स्पीसीज मिथाइल ग्रुप इज एडेड टू द सेकेंड एज वेल थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ द कैप्ड आरएनए इट इज कंसिडर्ड एज कैप 2। किसी के अंदर कैप फर्स्ट के बाद में और एक मिथाइल ग्रुप ऐड होता है उसको कहते हैं कैप सेकेंड। यानी कैप 0 किसे कहेंगे, कैप सेकेंड किसे कहेंगे और कैप फर्स्ट किसे कहेंगे, ये बता रहा है इसके अंदर। ठीक है, फंक्शंस क्या है इसका, जो कैप होती है, कैप अपीयर टू सर्व एटलीस्ट 4 फंक्शन, 4 फंक्शंस यहाँ पर सर्व करे। प्रोटेक्ट एमआरएनए, किसको प्रोटेक्ट कर रही है, एमआरएनए को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, किसके डिग्रेड होने से बचाने के लिए। ठीक है, दूसरा दे इन्हांस द ट्रांस एल्टेबिलिटी ऑफ आरएनए, दे इन्हांस द ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, इन्हांस करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ, दे एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ स्प्लाइसिंग ऑफ एमआरएनए। ये सभी फंक्शंस कौन करता है, जो कैपिंग मशीनरी होती है वो कैपिंग होने के बाद में ये कैप उसके फंक्शंस करती है, 4 मेन फंक्शंस करती है। यहाँ पर देखें तो फर्स्ट स्टेज क्या करती, रिमूव कर रहे थे अपन किसके बारे में, यहाँ पर देखो डायग्राम अपन ने बना तो लिया है लेकिन इसमें समझे, तो यहाँ पर देखो रिमूव गामा फॉस्फेट, यहाँ पर देखो अल्फा बीटा और गामा, 3 फॉस्फेट है, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट, और यहाँ पर सेकेंड न्यूक्लियोटाइड एमआरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड होंगे। अब यहाँ पर देखो तो यहाँ पर 5th नंबर पर ट्राइफॉस्फेट क्या हो गया, रिमूव हो गया, यहाँ पर देखो अल्फा और बीटा बचा, ठीक है, यहाँ पर रिमूव हो गया। सेकेंड प्रोसेस में देखें तो सेकेंड में ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ऐड होता है, यहाँ पर देखो अल्फा बीटा था, ठीक है, यहाँ पर ग्वानाइल ट्रांसफरेज प्लस GTP, यहाँ पर PPI रिमूव हो गया। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ग्वानाइल ट्रांसफरेज, ये इसका फॉस्फेट हो गया और ये ग्वानाइल ट्रांसफरेज यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखोगे तो थर्ड वाले में देखोगे अच्छे तरह से समझ में आएगा कि ग्वानाइल ट्रांसफरेज पे यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, देखो यहाँ पर क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप, इस पे क्या होता है, मिथाइल ग्रुप ऐड होता है, तो इसको क्या कहते हैं, 7 मिथाइल ग्वानोसिन। और इस तरह से यहाँ पर जो कैपिंग का क्या होता है, फॉर्मेशन होती है और ये कैप क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। और इसके बाद में कैपिंग के बाद में अपन बात करेंगे कल स्प्लाइसिंग की, और स्प्लाइसिंग की से अलावा किसके बारे में, आरएनए एडिटिंग के बारे में, आरएनए एक्सपोर्ट के बारे में, बहुत से मैकेनिज्म्स के बारे में कल अपन बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।